हेलो स्टूडेंट, दिस इज अनुपम गंभीर एंड यू आर वाचिंग अनुपम इंग्लिश क्लासेस। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में क्लास 12 इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक पोम 1 माय मदर एट 66 जिसकी पोएट कमला दास है, इसके हम समरी कवर करेंगे। स्टूडेंट, इस पोम में पोएट कमला दास अपनी मदर के बारे में हमें बता रही हैं और बताती हैं कि उनकी मॉम 66 ईयर्स की हो चुकी हैं और अपनी उम्र के अनुसार बहुत ही वीक दिखाई देती और बूढ़ी भी दिखाई देती हैं। जब पोएट अपने घर पे वापस आने के बाद, यानी कि कहीं रहती होंगी बाहर स्टडी पर्पस से या जो भी है, तो आने के बाद जब वो वापस जा रही होती हैं तो उन्हें सी ऑफ करने के लिए उनकी मॉम उनके साथ जाती हैं। अब उनकी मॉम और पोएटस कार में पीछे वाली सीट पर बैठी हैं और उनकी मॉम सो रही हैं और सोते समय उनकी मॉम का मुंह खुला हुआ था। इस समय उनकी मॉम का फेस राख की तरह दिख रहा था और वे बहुत ही बेजान दिख रही थी। अब पोएटस अपनी मॉम के फेस को देखते हुए डर जाती हैं कि कहीं उनके वापस आने तक उनकी मॉम की डेथ ना हो जाए। इस बात से डिस्ट्रैक्ट होने के लिए वे विंडो के बाहर की तरफ देखने लगती हैं तथा बाहर उनको भागते हुए पेड़ दिखाई देते हैं। अब पेड़ जो कि पीछे छूट रहे थे तथा उनकी मॉम दोनों अपोजिट दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि अब पोएटिस कुछ यंग चिल्ड्रन को देखती है जो बहुत ही हैप्पी, एनर्जेटिक और फुल ऑफ लाइफ होते हैं और अपने घरों से निकलकर प्लेग्राउंड की तरफ जा रहे हैं। वे बच्चे भी उनको अपनी मॉम के बिल्कुल अपोजिट ही दिखाई देते हैं, जो बहुत ही वीक हो चुकी हैं उनकी मॉम और मरने की कगार पर हैं। अब पोएटस एयरपोर्ट पहुंच जाती हैं तो अपनी मॉम का फेस को विंटर फॉगी मून की तरह देखती हैं, अर्थात उनको अपनी मॉम का फेस कैसा दिखाई दे रहा है, जैसे विंटर के समय में मून थोड़ा धुंधला सा, फॉगी सा दिखाई देता है ना, वैसा उनको अपनी मॉम का फेस दिखाई दे रहा है। अब वो बचपन की तरह अपनी माँ से एक बार फिर बिछड़ रही हैं। कभी बचपन में भी ऐसा हुआ होगा कि वो अपनी माँ से दूर कहीं स्टडी पर्पस के लिए गई होंगी और आज फिर वो वैसा ही फील कर रही हैं और उनके ख्याल में आ रहा है कि शायद अब वे दोबारा अपनी माँ से फिर ना मिल सके, क्योंकि उनकी मॉम की एज तथा वीकनेस बहुत ज़्यादा थी। फिर उन्होंने अपनी मॉम से सी यू सीन अम्मा कहा एंड केवल ब्रॉडली 3 बार स्माइल किया। स्टूडेंट, यहाँ पे 3 बार स्माइल जो उन्होंने किया, फर्स्ट स्माइल की मीनिंग है रियलाइज, वो रियलाइज करती हैं कि मैं अपनी माँ से फिर मिलूंगी। सेकंड स्माइल ब्रेव को शो करता है, ब्रेव यानी कि बहादुरता से वो अपने मन को ठान लेती हैं कि वो अपनी मॉम से फिर मिलेंगी। एंड थर्ड स्माइल होप है, होपफुली वो सी ऑफ कर देती हैं कि हाँ 100% मैं अपनी मॉम से फिर मिलूंगी। और फाइनली इस होप के साथ कि वह अपनी माँ से ज़रूर मिलेंगी, इस होप से वो एयरपोर्ट की तरफ चली जाती हैं और यहीं पे स्टूडेंट हमारी पोम कंप्लीट हो जाती है। हेलो स्टूडेंट, दिस इज अनुपम गंभीर एंड यू आर वाचिंग अनुपम इंग्लिश क्लासेस। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक पोम 1 जिसकी पोएट्रेस कमला दास है, इसकी हम वर्ड मीनिंग कवर करेंगे। स्टूडेंट, इस पोम में जो हमारी पोएट्रेस कमला दास हैं वो पेरेंट्स होम से कोचिन एयरपोर्ट की तरफ जा रही हैं और जिनको सी ऑफ करने के लिए उनकी मदर साथ में जाती हैं। स्टूडेंट, कोचिंग एयरपोर्ट केरला में है और जब सी ऑफ करने के लिए उनकी मदर उनके साथ जा रही होती हैं तो पोएटस उनको देख के सोचती हैं कि ये तो बहुत वीक हो गई हैं, इनका फेस भी है बिल्कुल डल हो गया है, विंटर फॉगी मून से कंपैरिजन करती हैं, डेड बॉडी से भी अपने मदर के फेस को कंपैरिजन करती हैं क्योंकि वो उनके साथ वाली सीट पे ही बैठी हुई होती हैं और शॉर्ट स्लीप ले रही होती है, मतलब झपकी ले रही होती हैं और उनका मुँह भी खुला हुआ होता है। तो पोएटस उनको देख के बहुत डरती हैं कि शायद कहीं मैं इनसे दोबारा मिल पाऊँ या नहीं मिल पाऊँ, और लास्ट में 3 बार ब्रॉडली स्माइल करते हुए वो एयरपोर्ट की तरफ चली जाती हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं पोम की वर्ड मीनिंग। फर्स्ट वर्ड है स्टूडेंट डोज, स्लीप लाइटली या शॉर्ट स्लीप। एशन लाइक का मतलब होता है वेरी पेल, लाइक एश यानी कि एश की तरह उनकी मॉम का फेस हो गया है ऐसा वो रियलाइज कर रही हैं। कॉप्स है डेड बॉडी, फिर वो रियलाइज करती हैं कि मेरी जो मॉम का फेस है वो एक कॉप्स यानी कि डेड बॉडी की तरह दिखता है। थॉट की मीनिंग है फील, नेस्ट मैरी चिल्ड्रन का मतलब है हैप्पी चिल्ड्रन और स्पिलिंग का मतलब है फुल ऑफ लाइफ। स्प्रिंटिंग की मीनिंग होती है स्टूडेंट रन अवे, पीछे छूटना,
टू मूव आउट इन ए ग्रेट नंबर। तो यहाँ पे स्टूडेंट रन अवे यानी कि स्प्रिंटिंग कहा गया है ट्रीज के लिए। जब हम ट्रेन से या कार से किसी गाड़ी से सफर कर रहे होते हैं तो हमें ऐसा लगता है ना कि जो ट्रीज है ये हमारे साथ मूव कर रहे हैं, हमारे साथ साथ चल रहे हैं। एक्चुअली में वो कार चल रही होती है तो वो ऐसा लगता है कि पेड़ भी हम मूव कर रहे हैं और वो पीछे छूटते जाते हैं, तो उसी के लिए यहाँ पे स्प्रिंटिंग वर्ड का यूज हुआ है। नेक्स्ट है वन यानी कि कलरलेस। नेक्स्ट वर्ड इज विंटर मून। लॉस्ट इट्स लाइफ या ग्लू। विंटर मून का मतलब होता है फॉगी मून। नेक्स्ट वर्ड इज एक यानी कि पेन। और लास्ट लाइन में स्टूडेंट स्माइल का 3 बार यूज किया गया है। स्माइल की 3 मीनिंग है इसमें। फर्स्ट स्माइल रियलाइजेशन है, जब पोएटेस रियलाइज करती हैं कि मैं अपनी मॉम से दोबारा मिलूंगी। सेकंड स्माइल ब्रेव फ्रंट है, यानी कि फिर वो बहादुरता से सोचने लगती हैं कि हाँ मैं पक्का ही अपनी मॉम से मिलूंगी। और थर्ड स्माइल है होप, यानी कि अब वो फुल्ली होपफुल हो गई हैं कि मैं 100% अपनी माँ से वापस आऊँगी और मिलूंगी। तो होप की मीनिंग है होप ऑफ सीइंग हर मदर इन द नेक्स्ट टाइम। एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट, जो हमारी पोएटेस हैं कमला दास, ये अपने पेरेंट्स होम से कोचिन एयरपोर्ट की तरफ जा रही हैं, कार में बैठ के जा रही हैं, और जिनको सी ऑफ करने के लिए उनकी मदर उनके साथ जा रही हैं। उनकी मदर और पोएटेस कमला दास एक ही साथ पीछे की सीट में कार में बैठे हुए हैं, और उनकी मदर को देखते हुए कमला दास फील करती हैं कि ये बहुत वीक हो गई हैं, शायद हम दोबारा मिलें या ना मिलें। ऐसे ही थॉट्स अपने माइंड में लाती हैं और लास्ट में रियलाइज करती हैं, अपने आप को कलेक्ट करती हैं और कहती हैं कि नहीं, होपफुली हम 100% दोबारा जरूर मिलेंगे। तो यहीं पे हमारी पोम खत्म हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोम का एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन। सबसे पहले अबाउट द पोएट दिया है, जिसमें आपको सिर्फ कमला दास पोएट का नाम ही समझना है, इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। इसमें कमला दास है इसकी पोएटेस। बेस्ट स्टूडेंट्स बिफोर यू रीड दिया हुआ है यहाँ, एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस। जो हमारी बढ़ती हुई एज है वो नेचुरल होती है, सबकी एज बढ़ती ही है। हैव यू एवर थॉट What our elderly parents accept from us? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है, यानी कि पोर्ट्रेस हमसे पूछ रही हैं कि आपने कभी ऐसा सोचा है कि पेरेंट्स आपके बारे में, जब वो एल्डर हो रहे होते हैं, मतलब बढ़ती हुई उनकी एज होती है, तो वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। अब जो हमारी पोएटेस है कमला दास, वो पेरेंट्स होम से कोचिंग एयरपोर्ट की तरफ जा रही हैं। कोचिंग एयरपोर्ट केरला में है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ। ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सा माय मदर बिसाइड्स मी। अब माय पोएटेस कमला दास कह रही हैं कि जब मैं पेरेंट्स होम से कोचिन की तरफ जा रही थी, तो पिछले फ्राइडे की मॉर्निंग को, तो मैंने अपनी मदर को देखा जो कि मेरे साथ ही बैठी हुई थी। डोज ओपन माउथ्ड हर फेस एशन लाइक दैट। डोज की मीनिंग स्टूडेंट होती है शॉर्ट स्लीप, यानी कि झपकी लेना। तो जो उनकी मदर उनके साथ पीछे की सीट में कार में बैठी हुई थी, वो सो रही थी, झपकी ले रही थी, और उनका जो माउथ है वो ओपन था, और उनका फेस एशन लाइक की मीनिंग है स्टूडेंट वेरी पेल या लाइक एश। तो उनका जो फेस है वो बिल्कुल राख की तरह उनको दिखाई दे रहा था। किसको? हमारी पोएटेस को। ऑफ आ कॉर्प्स एंड रियलाइज्ड विद पेन। यहाँ कॉप्स डेड बॉडी, कॉप्स की मीनिंग डेड बॉडी होती है। अब वो अपनी मदर के फेस का कंपैरिजन एक कॉप्स यानी कि डेड बॉडी के साथ करती हैं। कहती हैं कि ये तो बिल्कुल डेड बॉडी की तरह उनका फेस दिखाई दे रहा था। दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। अब फिर पोएटेस हमारी कह रही हैं कि मेरी जो मदर हैं वो उतनी ही ओल्ड हो गई हैं जितनी दिखाई दे रही हैं, मतलब जितनी बूढ़ी वो दिखाई दे रही हैं उनकी एज भी उतनी हो गई है। और वो आगे सोचती हैं कि ये तो जो ट्रीज स्प्रिंटिंग कर रहे हैं, स्प्रिंटिंग का मतलब होता है रन अवे यानी कि पीछे छोड़ना। जब हम गाड़ी पे या कार पे या ट्रेन पे कहीं जा रहे होते हैं तो ट्रीज हमें ऐसा लगता है ना पीछे छूटते जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो उसी के लिए यहाँ पे स्प्रिंटिंग वर्ड का यूज किया गया है। और अब हमारी पोएटेस सोच रही हैं कि ये जो ट्रीज हैं स्प्रिंटिंग करते हुए, ये बिल्कुल अपोजिट है मेरी मॉम से, और मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर
होम्स, मैरी चिल्ड्रन यानी कि हैप्पी चिल्ड्रन, वो खुश होते हुए बच्चे जो कि अपने घरों से निकल निकल के प्लेग्राउंड की तरफ जा रहे हैं, वो भी उनकी मॉम से बिल्कुल अपोजिट लग रहे हैं। क्यों स्टूडेंट? क्योंकि एक तरफ तो उनका जो फेस है उनकी मॉम का, वो एक डेड बॉडी की तरह उनको लग रहा है, बहुत ही वीक हो गई है वो, उनको उनको फील हो रहा है कि ये तो शायद अब हम मिलें या ना मिलें, और दूसरी तरफ ये हैप्पी चिल्ड्रन है और स्पिलिंग यानी कि जो फुल ऑफ लाइफ है, एनर्जेटिंग है, और तो उनको जो अपनी मॉम का फेस बिल्कुल अपोजिट लग रहा है इन बच्चों से। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड अवे, तो अब हमारी जो पोएटेस हैं एयरपोर्ट पे पहुंच चुकी हैं, और एयरपोर्ट पे जहाँ पे सिक्योरिटी चेक होता है, जहाँ पे चेकिंग होती है, वहाँ से कुछ ही यार्ड्स पे उनकी मदर खड़ी हुई हैं। आई लुक्ड अगेन एट हर वैन पेल, तो फिर उन्होंने दोबारा अपनी मॉम को देखा, यहाँ आई पोएटेस के लिए आया है, दोबारा अपनी मॉम को देखा, वैन यानी कि वो बिल्कुल कैसी दिख रही थी, फिर से उनको कलरलेस दिख रही थी, बिल्कुल पीला फेस यानी कि कलरलेस उनका फेस हो गया था, एज अ लेट विंटर्स मून। अब यहाँ फिर कंपैरिजन करती हैं अपनी मॉम के फेस का लेट विंटर मून से। लेट विंटर मून की मीनिंग है लॉस्ट इट्स लाइफ या ग्लो या ब्राइटनेस। विंटर के समय में फॉगी मून हो जाता है ना, फॉग आ जाता है मून के ऊपर, तो वो उसकी ब्राइटनेस बिल्कुल डल हो जाती है, तो इसीलिए वो अपनी मॉम के फेस का कंपैरिजन अब विंटर मून से करते हुए कहती हैं कि मेरी मॉम का फेस कैसा दिख रहा था, विंटर मून की तरह दिखाई दे रहा था, एंड फेल्ट दैट ओल्ड, और वो बहुत ही बूढ़ी दिखाई दे रही थी। फैमिलियर एक माई चाइल्डहुड फियर बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा। अब उनको जो चाइल्डहुड में फियर हो रहा होगा, मतलब बचपन में बच्चे डरते हैं ना कि हम अपनी मम से अलग ना हो जाएं, इसे ही डर सताता रहता है उनको, तो वो कह रहे हैं अब ये जो दर्द है एक मतलब पेन, तो ये जो फैमिलियर हो गया था मेरे लिए, यानी कि उनसे दूर होने का दर्द मेरे लिए फैमिलियर था, क्योंकि बचपन में भी ऐसा दर्द रहा होगा पोएटेस के साथ। तो फिर वो लास्ट में क्या कहती, सी यू सून अम्मा। अम्मा वर्ड का यूज किया गया है स्टूडेंट अपनी मॉम के लिए, उन्होंने अम्मा कहा है क्योंकि वो केरला की रहने वाली हैं और वहाँ पे मॉम को अम्मा कहा जाता है, तो लास्ट में वो कह देती हैं कि हम दोबारा मिलेंगे, ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और इसी के शब्द के साथ वो एक ब्रॉड सी स्माइल करती हैं। तीन बार स्माइल यहाँ यूज किया गया है स्टूडेंट। फर्स्ट स्माइल का मीनिंग रियलाइजेशन है, क्योंकि वो रियलाइज करती हैं कि मैं अपनी मॉम से फिर मिलूंगी। सेकंड स्माइल है ब्रेव फ्रंट, वो बहादुरता से स्वीकार करती हैं कि मैं अपने मॉम से वापस आऊंगी और मिलूंगी। और थर्ड स्माइल स्टूडेंट होप है, होप की मीनिंग यहाँ दी गई है, होप ऑफ सीइंग हर मदर इन द नेक्स्ट टाइम, होपफुली 100% वो होप करती हैं, आशा करती हैं कि मैं अपनी मॉम से दोबारा आऊंगी, वापस आऊंगी और अपनी मॉम से मिलूंगी। इसी के साथ हमारा स्टूडेंट ये पोम यहीं पे कंप्लीट हो जाती है। स्टूडेंट इसमें फर्स्ट पोएटिक डिवाइस है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइसेस का यूज वहाँ होता है जब एक ही लाइन में एक ही साउंड के वर्ड साथ साथ यूज किए जाते हैं, दो या दो से अधिक, तो वहाँ एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस यूज होता है। फॉर द एग्जाम्पल हम देख सकते हैं लाइन नंबर 3, माई मदर बिसाइड मी, इस लाइन में एम यानी कि मा मा साउंड का दो या दो से अधिक बार यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पोएटिक डिवाइस एलिट्रेशन का यूज है। नेक्स्ट है 66, जो कि हमारा टॉपिक है हमारी पोम का, उसमें भी एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस है क्योंकि SS रिपीट हुआ है। उसके बाद है दैट थर्ड लाइन नंबर 11 में पोएटिक डिवाइस एलिट्रेशन का यूज है। स्टूडेंट नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है सिमिली। सिमिली पोएटिक डिवाइस वहाँ यूज होती है जब किसी सेंटेंस में कंपैरिजन किया जाता है और कंपैरिजन वर्ड एज सो या लाइक का भी यूज किया जा सकता है, जैसे कि लाइन नंबर 9 में हम देख सकते हैं दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, आई लुक्ड अगेन एट हर वैन पेल। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, मदर का कंपैरिजन किया गया है कि वो कैसी दिखाई दे रही है, बिल्कुल पीली पड़ गई है, एज अ लेट विंटर्स मून। मदर का कंपैरिजन, पोएटेस की मदर का कंपैरिजन विंटर मून के साथ किया गया है और एज वर्ड का यूज किया गया है, इसीलिए यहाँ पोएटिक डिवाइस सिमिली का यूज है। नेक्स्ट लाइन नंबर 6 में हम देख सकते हैं हर फेस एशन लाइक दैट
डैश डैश ऑफ अ कॉर्प्स, यानी कि यहाँ लाइक का यूज किया गया है और कंपैरिजन किससे किया गया है, उनकी मदर का पोर्ट्रेट, की मदर का, उनके मदर के फेस का कंपैरिजन स्टूडेंट एक डेड बॉडी के साथ किया गया है। कॉर्प्स मतलब होता है डेड बॉडी, इसीलिए यहाँ पोएटिक डिवाइस सिमिली का यूज है। पोएटिक डिवाइस हम देख सकते हैं कॉन्सोनेंस, पोएटिक डिवाइस नंबर 3 कॉन्सोनेंस, लाइन नंबर 3, 4, 5, 6 में कॉन्सोनेंस पोएटिक डिवाइस का यूज है। स्टूडेंट कॉन्सोनेंस पोएटिक डिवाइस वहाँ यूज होती है जब एक ही लाइन में दो या दो से अधिक बार कॉन्सोनेंट यूज होते हैं। कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? 5 वॉवल को छोड़कर, ए ई आई ओ यू को छोड़कर जितने भी लेटर हैं वो सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। जब कॉन्सोनेंट का यूज एक ही लाइन में दो या दो से अधिक बार किया जाता है वहाँ पोएटिक डिवाइस कॉन्सोनेंस यूज होती है। फॉर द एग्जाम्पल, आई माई मदर बिसाइड मी, या एम एम मा मा साउंड यूज होने से यहाँ पोएटिक डिवाइस कॉन्सोनेंस है। नेक्स्ट है शी वॉज एज ओल्ड एज She looked but soon, यहाँ पे एस एस कॉन्सोनेंट का बार बार यूज होने से लाइन नंबर 5 और 6 में भी पोएटिक डिवाइस कॉन्सोनेंस का यूज है। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस स्टूडेंट एजोनेंस है। जैसे कॉन्सोनेंस कॉन्सोनेंट रिपीट होता है, एजोनेंस में हमारे वॉवल रिपीट होते हैं। फॉर द एग्जाम्पल लाइन नंबर 2 में हम देख सकते हैं होम टू कोचिंग, यहाँ पे होम में भी ओ आया, टू में भी और कोचिंग में भी ओ आया, यानी कि वॉवल का यूज बार बार किया गया है, इसीलिए पोएटिक डिवाइस एजोनेंस है। लाइन नंबर 5 में भी डोज और ओपन में ओ का यूज किया गया है। नेक्स्ट है लाइन नंबर 6 में एशन लाइक दैट में आ आ साउंड वॉवल का यूज किया गया है। और लास्ट लाइन नंबर 10 में लुक्ड बट सून में पोएटिक डिवाइस एजोनेंस का यूज है, जिसमें डबल ओ और डबल ओ का यूज किया गया है। पोएटिक डिवाइस नंबर 5 पर्सोनिफिकेशन है। स्टूडेंट ये मानवीयकरण अलंकार होता है जिसमें नॉन लिविंग को लिविंग के साथ कंपैरिजन कर दिया जाता है। फॉर द एग्जाम्पल हम देख सकते हैं लाइन नंबर 12 में यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग की मीनिंग होती है मूव करना। तो वैसे ट्री तो लिविंग है लेकिन वो स्टेबल है ना, वह एक दूसरे एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। वैसे लिविंग बींग्स तो हैं लेकिन मूव नहीं कर सकते, और यहाँ कहा गया है कि वो स्प्रिंटिंग कर रहे हैं, यानी कि दौड़ रहे हैं, पीछे की तरफ छूट रहे हैं। तो ट्री सीम टू बी रनिंग अवे एट ग्रेट स्पीड लाइक अ पर्सन, तो इसीलिए यहाँ पोएटिक डिवाइस पर्सोनिफिकेशन का यूज है, क्योंकि यहाँ पे उसको मानवीयकरण अलंकार माना गया है, अर्थात ट्रीज की तुलना एक पर्सन के साथ की गई है। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस हम देख सकते हैं 6th है मेटाफर, इसमें भी कंपैरिजन होता है लेकिन इसमें कंपैरिजन वर्ड लाइक सोया एज का यूज नहीं किया जाता। फॉर द एग्जांपल लाइन नंबर 13 में द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, जो मैरी चिल्ड्रन यानी कि हैप्पी चिल्ड्रन है वो एनर्जी से भरे हुए हैं, लाफ्टर जॉय से भी भरे हुए हैं और वो अपने घरों से बाहर निकल आ रहे हैं। तो उनका कंपैरिजन जो हैप्पी चिल्ड्रन का कहा गया है कि उनमें कितनी एनर्जी है, लाफ्टर है, जॉय है, इसीलिए, और इसमें लाइक्स और एज का यूज नहीं है, इसीलिए यहाँ पोएटिक डिवाइस मेटाफर है। नेक्स्ट लाइन नंबर 18 में भी हम देख सकते हैं लेट विंटर्स मून, तो यहाँ भी कंपैरिजन किया गया है हमारे पोएट्रेस की मदर के फेस का विंटर मून के साथ, लेकिन यहाँ पे कंपैरिजन वर्ड लाइक और सो या एज का यूज नहीं है, इसीलिए पोएटिक डिवाइस मेटाफर है। पेल व्हाइट कलर ऑफ द मून, तो यहाँ पे जो उसका कलर है मदर के फेस का, पोएटेस की मदर के फेस का, उसको कहा गया है कि विंटर मून, यानी कि फॉगी मून हो जाता है ना विंटर के मौसम में, कैसा मून दिखाई देता है, धुंधला सा, उसके ऊपर फॉग आ जाता है, तो इसलिए कहा गया है कि उनकी मदर का फेस भी बिल्कुल विंटर मून की तरह दिख रहा है, इसीलिए पोएटिक डिवाइस मेटाफर का यूज है। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस स्टूडेंट टोटोलॉजी है। टोटोलॉजी वो पोएटिक डिवाइस होती है जिसमें दो डिफरेंट वर्ड, दो या डिफरेंट वर्ड यूज किए जाते हैं लेकिन उनकी मीनिंग सेम होती है। फॉर द एग्जांपल लाइन नंबर 16 में हम देख सकते हैं वैन और पेन, दो वर्ड डिफरेंट है लेकिन उनकी मीनिंग कलरलेस है, इसलिए यहाँ पोएटिक डिवाइस टोटोलॉजी का यूज है। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस कंट्रास्ट है, जिससे कि नेम से ही पता चल रहा है कंट्रास्ट किया गया है, इमेज ऑफ हैप्पी चिल्ड्रन आउटसाइड कंट्रास्ट विद ओल्ड मदर इनसाइड, बाहर जो कि बच्चे अपने घरों से निकल के प्लेग्राउंड की तरफ जा रहे हैं उनका कंपैरिजन अंदर जो उनकी मॉम बैठी हुई है, पोएटेस की मॉम बैठी हुई है कार के अंदर, उनसे कंट्रास्ट किया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पोएटिक डिवाइस कंट्रास्ट का यूज है। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस नंबर 9 है रिपीटिशन। रिपीटिशन पोएटिक डिवाइस में स्टूडेंट एक ही वर्ड बार बार रिपीट होने से वहाँ पोएटिक डिवाइस रिपीटिशन का यूज होता है। फॉर द एग्जाम्पल लास्ट लाइन में हम देख सकते हैं स्माइल स्माइल एंड स्माइल, पोएटिक डिवाइस रिपीटिशन का यूज
है क्योंकि स्माइल का यूज दो या दो से अधिक बार यानी कि 3 बार किया गया है। लास्ट पोएटिक डिवाइस स्टूडेंट सिंबल्स है। सिंबल पोएटिक डिवाइस नाम से ही पता चल रहा है कि वर्ड्स को एज अ सिंबल यूज किया गया है। फॉर द एग्जाम्पल ट्रीज इज पेंटिंग में ट्रीज के लिए क्या एक्शन इन लाइफ यानी कि ट्रीज क्या कर रहे हैं एक जीवन की तरह मतलब जो हमारी जिंदगी एक पर्सन की तरह भाग रहे हैं। नेक्स्ट है मैरी चिल्ड्रन। मैरी चिल्ड्रन का मतलब होता है हैप्पी चिल्ड्रन। हैप्पी चिल्ड्रन का सिंबल वो क्या सिंबॉलिक कर रहे हैं हमें यूथ और वेगर लाइफ एंड ग्रोथ दिखा रहे हैं। मतलब मैरी चिल्ड्रन हैप्पी चिल्ड्रन का कंपैरिजन कहा गया है कि वो ऐसे लग रहे हैं कि वो पूरी एनर्जी से भरे हुए हैं फुल ऑफ लाइफ हैं। नेक्स्ट विंटर्स मून। विंटर मून किसको सिंबॉलिक कर रहा है सिंबॉलिक ऑफ डीके क्योंकि स्टूडेंट विंटर्स मून जो होता है वो फॉगी मून की तरह होता है यानी कि थोड़ा धुंधला सा दिखता है क्योंकि उसके ऊपर फॉग आ जाता है और जो हमारी पोएटेस हैं वो अपनी मदर का कंपैरिजन विंटर मून के साथ कर रही है तो विंटर मून किसको सिंबलाइज कर रहा है डीके को यानी कि विनाश को दर्शा रहा है। इसीलिए हमारी पोएटेस डर जाती हैं कि कहीं मैं वापस आऊँ तो शायद अपनी मदर से दोबारा मिल पाऊँ या ना मिल पाऊँ इसीलिए वो अपनी मदर का कंपैरिजन कॉर्प्स यानी कि डेड बॉडी और विंटर मून के साथ करती हैं। स्टूडेंट तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोएट फील्स किस प्रकार का जो हमारी पोएटेस है ये पोएट है इस पोम की वो किस प्रकार का दर्द फील पोएटेस मदर इज 66 इयर्स ओल्ड। पोएट की जो मदर है वो 66 इयर्स की हो चुकी हैं। व्हेन द पोएटेस नोटिस हर मदर फेस लाइक कॉप्स कॉप्स की मीनिंग होती है डेड बॉडी। तो जब हमारी पोएटेस नोटिस करती हैं कि उनकी जो मदर का फेस है वो एक डेड बॉडी की तरह हो गया है द ओल्ड चाइल्डहुड फियर्स ऑफ द पोएटेस कम बैक तो पिछला जो पुराना दर्द होता है बचपन का वो हमारी पोएटेस फील करने लगती है। पुराना दर्द बच्चे को लगता है ना कि हम अपनी माँ से अलग ना हो जाएं बिछड़ ना जाएं तो वही दर्द इस समय फील कर रही है अपनी माँ का फेस देख के पोएटेस। शी फियर्स दैट हर मदर विल डिपार्ट फ्रॉम दिस वर्ल्ड सून वो फियर करती है वो डर जाती हैं वो ऐसा डरती हैं देखकर कि कहीं मेरी माँ इस संसार से अलविदा ना बोल जाए अर्थात उनकी कहीं डेथ ना हो जाए। एंड ऑल्सो फियर्स दैट शी विल नॉट सी हर मदर अगेन और ऑल्सो डरती हैं कि कहीं मैं दोबारा इनसे ना मिल पाऊँ। शी स्माइल्स एट हर मदर अपनी माँ को देखते हुए बिछड़ रही हैं जा रही हैं अपनी माँ से दूर स्टडी पर्पज के लिए कोचिंग एयरपोर्ट पे आई हैं वो अपनी मदर के साथ उनकी मदर उनको सी ऑफ करने आई हैं तो फिर वो लास्ट बार उनको तरफ देखती हैं और स्माइल करती हैं। बट हर हार्ट इज सैड वैसे तो स्माइल कर रही हैं लेकिन जो हृदय से वो बहुत दुखी हैं। शी फील्स एन एक इन हर हार्ट टू सी हर अगेन मदर वो इस प्रकार का दर्द फील कर रही हैं कि शायद मैं अपनी माँ से दोबारा ना मिल पाऊँ तो अपने दिल में इस प्रकार का दर्द वो महसूस कर रही हैं हमारी पोएटेस। क्वेश्चन नंबर सेकंड व्हाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग जो छोटे छोटे पेड़ हैं कार में जा रही थी पोएटेस और उनकी मदर तो वो देखती हैं विंडो से बाहर की जो ट्रीज हैं छोटे छोटे पेड़ हैं यंग ट्रीज हैं वो स्प्रिंटिंग स्प्रिंटिंग मतलब रन अवे कि मूव कर रहे हैं पीछे छूटते जा रहे हैं तो ये जो यंग ट्रीज हैं इनको स्प्रिंटिंग क्यों कहा गया है क्यों डिस्क्राइब किया गया एज अ स्प्रिंटिंग। द पोएटेस इज गोइंग इन अ कार विद हर मदर जो हमारी पोएटेस हैं वो कार में बैठ के अपनी मदर के साथ जा रही हैं। शी लुक्स आउट ऑफ द विंडो अब वो विंडो के बाहर देखती हैं। शी फाइंड्स दैट द यंग ट्रीज आर रेसिंग बैकवर्ड वो देखती हैं वो पाती हैं कि जो यंग ट्रीज हैं वो बैकवर्ड यानी कि पीछे की तरफ रेस कर रहे हैं पीछे की तरफ छूट रहे हैं। दे आर ए सिंबल ऑफ यूथ एंड एनर्जी जो ट्रीज हैं वो तो यूथ और एनर्जी को सिंबलाइज कर रहे हैं ऐसा लग रहा है कि उनमें तो बहुत ही एनर्जी है। ऑन द अदर हैंड और दूसरी तरफ द पोएटेस मदर इज स्लीपिंग टुवर्ड्स डेथ और जो दूसरी तरफ अंदर उनकी जो मदर हैं वो कार में सो रही हैं सोती हुई वो ऐसे लग फील करती हैं हमारी पोएटेस कि कहीं इनकी अब डेथ ना हो। कम ऑन क्वेश्चन नंबर 3 व्हाई हैज द पोएट ब्रॉट इन द इमेज ऑफ मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स जब कार से पोएटेस और उनकी मदर जा रही होती हैं तो वो पेड़ों को यंग ट्रीज को देखकर तो सोचती हैं कि ये स्प्रिंटिंग कर रहे हैं साथ ही साथ बाहर बच्चे मैरी चिल्ड्रन उनको कहा गए बच्चे खेल रहे होते हैं अपने घरों से निकल के मैरी चिल्ड्रन यानी कि हैप्पी चिल्ड्रन घरों से निकल के बाहर आ रहे होते हैं और वो स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स अपने घरों से बाहर आ रहे हैं और वो कैसे लग रहे हैं स्पिलिंग फुल ऑफ एनर्जी लग रहे हैं तो ऐसी इमेज क्यों फेस करती हैं क्यों सोचती हैं हमारी पोएटेस।
आंसर है द पोएट हैज ब्रॉट इन द इमेज ऑफ मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स टू प्रेजेंट ए कंट्रास्ट। तो ऐसी इमेज जो हैप्पी चिल्ड्रन की इमेज वो कंट्रास्ट के लिए यूज करती हैं, उनके लिए कंट्रास्ट है। क्यों है? एट वन साइड मैरी चिल्ड्रन रिप्रेजेंट जॉय एंड फुल ऑफ लाइफ। एक तरफ तो ये जो मैरी चिल्ड्रन इनके हैप्पी बच्चे हैं, जो खुश बच्चे हैं, वो बहुत ही जॉय और फुल ऑफ लाइफ लग रहे हैं। वाइल ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ हर ओल्ड मदर विल विद पेल फेस रिप्रेजेंट सोरो, और दूसरी तरफ जो उनकी माता जी हैं वो बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं, और उनका जो पेल फेस है यानी कि येल्लो पड़ा हुआ कलरलेस फेस है वो दुख से भरा हुआ है। एंड द लाइफ विच इज अबाउट टू एंड, और ऐसा लग रहा है कि उनका जीवन अब खत्म की तरफ है, यानी कि खत्म होने वाला है, यानी कि उनकी डेथ होने वाली है, ऐसा फील करती है हमारी पोएट्रेस। हमारी पोएट्रेस कंट्रास्ट करती है हैप्पी चिल्ड्रन से अपनी मदर के फेस का। स्टूडेंट्स नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर फोर्थ, व्हाई हैज द मदर बीन कंपेयर्ड टू द लेट विंटर मून। जो पोएट्रेस है वो अपनी मदर के फेस का कंपेरिजन विंटर मून के साथ भी करती है, तो वो क्यों करती है? द लेट विंटर मून लुक्स हैजी, जो लेट विंटर मून होता है वो बहुत ही हैजी दिखाई देता है। कैसा होता है? वो धुंधला सा दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि उस समय विंटर, लास्ट विंटर के समय फॉग होता है, एंड फॉग की वजह से मून की ब्राइटनेस खत्म हो जाती है। इट लूजेज इट शाइन एंड ब्राइटनेस, इसी की वजह से वो अपनी जो शाइन और ब्राइटनेस खो देता है मून फॉग की वजह से। द पोएट्रेस मदर इज 66 ईयर्स ओल्ड, जो पोएट्रेस की मदर है वो 66 ईयर्स की हो चुकी हैं। शी इज एट द एंड ऑफ हर लाइफ जर्नी, अब वो अपनी जीवन के यात्रा पर लास्ट पड़ाव पर हैं। शी लुक्स एशन एंड पील, पेल, वो जो उनका मदर, उनकी मदर का फेस है वो कैसा दिखाई दे रहा है? एशन एंड पेल, यानी कि बिल्कुल कलरलेस दिखाई दे रहा है। She has lost her energy, वे अपनी एनर्जी भी खो चुकी हैं, which she had in her youth, जैसा कि वो जवानी में दिखती थी अब भी वैसा बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती हैं। That is why the poetess compares her mother to the late winter moon, इसीलिए हमारी जो poetess हैं late winter moon के साथ अपनी मदर के फेस का comparison करती हैं। Students last question है question number 5th, what do the parting words of the poet and her smile signify? जब लास्ट में उनकी मदर और वो एयरपोर्ट पहुंच जाती हैं और एयरपोर्ट की तरफ जाने लगती हैं, लास्ट बार अपनी मदर को देख के हमारी पोएट्रेस स्माइल करती हैं, तो इस स्माइल का और पार्टिंग वर्ड्स क्या थे और स्माइल किसको सिग्निफाई करता है ये बताना हमें आंसर में। द पोएट्रेस इज गोइंग पेरेंट्स होम टू कोचिंग एयरपोर्ट टू कैच अ प्लेन, तो जो हमारी पोएट्रेस हैं वो कोचिन कहाँ पर है? केरला में। कोचिन एयरपोर्ट से, अपने घर से कोचिन एयरपोर्ट की तरफ जा रही हैं, क्या करने जा रही हैं? प्लेन को पकड़ने, अर्थात प्लेन पे बैठने जा रही हैं। शी बिड्स फेयरवेल टू हर मदर, अब यहाँ पे अपने वो मदर से विदाई लेती हैं। शी स्माइल एंड एक्सप्रेसेस होप टू सी हर मदर अगेन, यहाँ पे वो स्माइल करती हैं और ऐसा एक्सप्रेस करती हैं, फील करती हैं, आशा करती हैं कि मैं अपनी मदर से फिर से मिलूंगी, दोबारा जरूर मिलूंगी। शी होप्स दैट दे विल मीट अगेन, और ऐसी आशा के साथ कि मैं दोबारा मिलूंगी, उनसे विदाई लेती हैं। बट द स्माइल एंड द पार्टिंग वर्ड्स ओनली हाइड हर फियर्स, लेकिन ये जो स्माइल है और उनके जो पार्टिंग वर्ड्स हैं, जो लास्ट में उन्होंने बोला था सी यू सीन अम्मा, तो ये सारे पार्टिंग वर्ड्स और जो उनके स्माइल है केवल उनके फियर को ढक रहे हैं, अर्थात वो डर रही थी ना कि मैं अपनी मदर से दोबारा मिलूं या ना मिलूं, तो इनको केवल वो ढक रहे हैं। दीज वर्ड्स एंड द स्माइल आर मेंट टू गिव एश्योरेंस ओल्ड लेडी, तो ये जो पार्टिंग वर्ड्स हैं, लास्ट वाली स्माइल है, ये जो ओल्ड लेडी बूढ़ी महिला है उनकी मदर, उनको श्योर करा रहे हैं कि हाँ मैं आपसे दोबारा मिलूंगी। हाउएवर इन हर हार्ट द पोएट्रेस फियर्स दैट शी विल नॉट सी हर मदर अगेन, यद्यपि वो हृदय में अपने अंदर ही अंदर पोएट्रेस हमारी डर रही हैं कि शायद वे अपनी मदर से दोबारा ना मिल पाए, लेकिन फिर भी वो स्माइल करती हैं, सी यू सी नम्मा कहती हैं और एयरपोर्ट की तरफ चली जाती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एमसीक्यू से, हु इज द पोएट ऑफ द पोम माई मदर एट 66, तो आंसर इज कमला दास। सेकेंड, वट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल माई मदर एट 66, पोएट्स फियर ऑफ लूजिंग हर ओल्ड मदर। स्टूडेंट इस पोम में हमारी पोएट्रेस कमला दास जॉब पर्पस के लिए अपनी मदर को छोड़कर जा रही हैं, तो उनको यही डर सता रहा है कि जब मैं वापस आऊंगी तो शायद मेरी मॉम रहे या ना रहे, अर्थात उनकी कहीं डेथ ना हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पोम,
पेनफुल ओल्ड एज। नेक्स्ट, व्हाट डू द रनिंग ट्रीज सिग्निफाई। तो जब हमारी पोएटेस जा रही होती हैं कार में सी ऑफ करने के लिए, उनकी मदर उनके साथ होती हैं, तो वो अपनी मदर को देखती हैं, उनको डर लगता है कि कहीं इनकी डेथ ना हो जाए ओल्ड एज से वजह से, और इसी बात से डिस्ट्रैक्ट होने के लिए वो विंडो के बाहर देखती हैं। और वो विंडो के बाहर क्या देखती हैं, फास्ट मूविंग चेंज इन ह्यूमन लाइफ फ्रॉम चाइल्डहुड टू ओल्ड एज, यानी कि वो जो स्प्रिंटिंग ट्रीज यानी कि रनिंग ट्रीज को देखती हैं जो उनको विंडो से दिखाई देते हैं कार की विंडो से, तो उसका कंपेरिजन वो अपनी मदर की ओल्ड एज से करती हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, व्हाट डज दिस नरेटिव स्टाइल ऑफ पोम सिग्निफाई। अ सिंगल थ्रेड ऑफ थॉट मिक्स्ड विद हार्श रिलेटिव। सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट इज हर वर्क नोन फॉर। फॉर ओरिजिनलिटी, पूरी ओरिजिनलिटी पे वर्क करती है हमारी पोएट। नाउ सेवंथ क्वेश्चन इज, इन विच लैंग्वेज हैज कमला दास रिटन द स्टोरीज एंड नॉवल्स। तो कमला दास केरला की हैं, इंग्लिश एंड मलयालम इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल माई मदर एट 66, पोएट्स फियर ऑफ लूजिंग हर मदर। व्हाट इज डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ द पेन। नरेटिव स्टाइल यूजिंग अ सिंगल सेंटेंस इन अ सेट ऑफ 14 लाइन्स। What does the poem revolve around? किसके इर्द गिर्द पोम घूमती है? Poetess fear, poetess love for her mother, theme of old age. तो all of these is the correct answer of this question. Question number 11, what does ashen face signify? Pale and lifeless face of poet's mother. तो वो कहती है ना poetess poem में कहती है कि जो मेरी mother का face है वो ashen like, यानी कि राख की तरह लग रहा है, बिल्कुल colorless हो गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द पोम। पोम में कौन कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज हुई हैं? स्टूडेंट, सिमिली, मेटाफर, ऑलिट्रेशन, ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। व्हाई डज द पोएट फील स्क्योर, बिकॉज ऑफ हर मदर्स डिटरेटिंग हेल्थ। नेक्स्ट, व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोएट फील लूजिंग हर मदर। विच पोएटिक डिवाइस यूज इन ट्रीज स्प्रिंटिंग। ट्रीज भाग रहे हैं, जब विंडो से बाहर देखा था हमारी पोएटेस ने तो ट्रीज स्प्रिंटिंग हो रहे थे। यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का यूज है क्योंकि स्टूडेंट ट्रीज वैसे तो लिविंग है लेकिन मूव नहीं कर सकते ना, और कहा गया है कि ट्रीज मूव कर रहे हैं यानी कि भाग रहे हैं, तो इसीलिए मानवीय करण अलंकार होगा। जब नॉन लिविंग को लिविंग मान लिया जाता है तो वहाँ पर्सोनिफिकेशन यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट क्वेश्चन अराइज फ्रॉम द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिचुएशन इन द पोम। How to strike a balance between duties and responsibilities? तो स्टूडेंट इस पोम में ये दिखाया गया है कि किस प्रकार से ड्यूटी, कौन सी ड्यूटीज़ हैं उसकी हमारी पोएट की, कि उनकी जॉब पर जाना ज़रूरी है, और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है कि अपनी ओल्ड मदर की देखभाल करना। तो दोनों का इस पोम में कॉम्प्लेक्सिटी सिचुएशन है हमारी पोएटेस के लिए। नाउ सेवंथ क्वेश्चन इज, कोट एन एग्जाम्पल ऑफ सिमली यूज इन द पोम लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। कॉप्स मतलब डेड बॉडी, तो डेड बॉडी के साथ कंपैरिजन करती हैं हमारी पोएटेस अपने मदर के फेस का, तो और लाइक वर्ड भी है तो इसलिए यहाँ पे सिमली का यूज है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई हैज द पोएट यूज टू इमेजरी ऑफ मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। जो हैप्पी चिल्ड्रन है कार के बाहर से, ये भी देखती हैं हमारी पोएटेस की जो हैप्पी चिल्ड्रन है वो अपने घरों से बाहर निकल के प्ले ग्राउंड की तरफ जा रहे हैं, बहुत खुश हैं, तो टू शो होप एंड हैप्पीनेस इन चिल्ड्रन। तो ये स्पिलिंग आउट, जो बच्चे आ रहे हैं वो कैसे हैं, जोश से भरे हुए खुश हैं, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 इज, कोट एन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन यूज इन द पोम। एलिट्रेशन का कहाँ यूज होता है? जब बार बार एक ही वर्ड का यूज होता है, जैसे लास्ट लाइन में यूज किया था ना, स्माइल स्माइल एंड स्माइल इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, हु लिव्स एट कोचिंग, दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। राइमिंग स्कीम इज यूज्ड इन पोम, फ्री वर्ड्स। नेक्स्ट, कोट एन एग्जाम्पल मेटाफर यूज्ड इन द पोम, ट्रीज इज प्रिंटिंग द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग। तो स्टूडेंट यहाँ पे कंपेरिजन किया गया है लेकिन कंपेरेटिव वर्ड लाइक सो या एज का यूज नहीं है, सो मेटाफर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन ट्रीज इज प्रिंटिंग एंड मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग। वाई डिड द पोएट लुक एट हर मदर अगेन। वट डिड द पोएट रियलाइज विद पेन, हर मदर अपियरेंस लाइक कॉप्स। नेक्स्ट 25, वाई डज द पोएट फील पार्टेड एंड सैड, बिकॉज ऑफ हर ड्यूटी टूवर्ड्स मदर एंड ओन नीड्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट वॉज द पोएट्स चाइल्डहुड फियर, लूजिंग हर मदर। पोएट्स मदर सिटिंग अलोंग विद हर इन कार डॉजिंग विद ओपन माउथ। जब वो कार में उनके साथ बैठी हुई थी तो सोते हुए उनका माउथ जो था वो खुला हुआ था। व्हाट डज द पोएट नोटिस आउटसाइड द कार, स्प्रिंटिंग टीज एंड रनिंग चिल्ड्रन। नाउ 29 क्वेश्चन इज,
Whose house the poet was leaving? किसका घर छोड़कर जा रही थी? Her parents' house. Poetess stopped at airport security check, standing a few kilometers away या standing a few yards away. तो student वो अपनी mother से standing a few yards away थी जब security check के बाद उन्हें see off किया था last में अपनी mother को. Quote Mary children spelling which poetic device used. Student poetic device metaphor है क्योंकि comparison किया जा रहा है happy children का mother के face के साथ लेकिन like so or as का use नहीं है तो metaphor is the correct answer of this question. Now question number 32. In last line smile smile and smile which poetic device? Repetition is the correct answer. What is the universality of the theme of poem? Death is a truth. Where was poetess going? Coaching in her car. Poetic device used in my mother me alliteration. What is familiar ache? Her childhood fear of losing her mother. What did the poetess look out from the car? Sprinting trees, merry children, both is the correct answer of this question. Which thought does the poetess put away? Her mother will soon die. What was the theme of the poem? Separation of her mother of fear. The poet was driving towards the airport. What was the expression of the poetess face while parting from her mother? Smiling. Student दिल से तो बहुत दुखी थी हमारी poetess, लेकिन वास्तव में वो दिखाने के लिए हंस रही थी last में. Next, the poem My Mother at 66 is written in a lyrical idioms. It means it expresses emotion in an imaginative and artistic style. The mother beside the poet was sleeping. What is the tone of the poem towards the end? Cheerful. Kamala Das was belonged to which state? Kerala. The poetess says her mother looked pale like a corpse. She soon put that thought out of her mind and looked out of the window. What pangs did she feel when she looked at her mother? Pangs of heartache. हार्ट एक का मतलब है उसको हृदय से दर्द होता है, हृदय में दर्द फील करती है कि कहीं मेरी मदर की डेथ ना हो जाए. व्हाट डज द पोएट्स स्माइल सिग्निफाई इन द पोम? हर एश्योरेंस ऑफ मदर एंड हेल्पलेसनेस इनसाइड. व्हाट वरीड द पोएट व्हेन शी लुक्ड एट हर मदर? हर डिक्लाइन एज. नेक्स्ट, व्हाट डज द एक्सप्रेशन स्माइल स्माइल एंड स्माइल सिग्निफाई? Efforts of hide her fear. What do the parting words "see you soon, Amma" signify? Her optimistic farewell, full of cheerful. What were the words she used while parting from her mother? See you soon, Amma. What thought did the poet try put away? Mother would not leave for too long. The narrator also saw children running out of home. Children spilling out is an metaphor. The narrator compared her mother second time late winter's moon. Does the poet distract herself from her unpleasant thoughts, looks out of the car window. Trees sprinting and merry children spilling is an attempt by the poet to create visual imagery. How is the imagery of young trees and merry children a contrast to the mother? Mother aging, trees and children youthfulness. What was the expression on the narrator's face? Smiling face. Why does the poet feel parted, upset and sad? Because of her duty towards mother and her own needs. My Mother at 66 poem is made up of a single sentence. Winter's moon is a reference to the mother old age. Name the poetic devices used in poem. Different poem may simile, metaphor, alliteration. All of these is the correct answer. Simile ka use hui hai line number 18 and 6 mein as a late winter moon, ashen like that. Or metaphor use hui hai line number 30. The merry children spilling and alliteration use in line number 3 and 11. My mother besides me, that thought. Now question number 65. What does the poem revolve around? Poet's fear. Poet's love for her mother, theme of old age. All of this is the correct answer of this question. Question number 66. Why did the poet look at her mother again? Because of fear and security. Student, इसी के साथ हमारे सभी 66 MCQs complete होते हैं. I hope this video lecture is very helpful to you. If yes, please like this video, share this video and also comment on this video and subscribe my channel for more videos. Thank you so much for watching. मिलते हैं next video lecture में. तब तक के लिए bye.